Assalamu alaikum, computer students. Hope you all are fine and doing good. Today, we'll go toward our next lecture from the same chapter, that is object-oriented programming in C++. We will learn about the constant qualifier. What is the constant qualifier? Constant aapne padhe hain. Constant kaun sa hota hai jo throughout the program value ko change nahi karta, and the variable is the one whose value may change during the program execution. So constant define a variable whose value cannot change. A constant as a variable ko define, matlab constant is a keyword, CONST hum use karte hain. Wo keyword agar aap kisi bhi variable ke sath likh doge to us variable ki value phir change nahi ho sakti throughout the program. Theek hai, variable वैसे आपने पढ़ा है कि variable की value throughout the program कहीं पे भी change हो सकती है. मैंने आपको सम की एग्जाम्पल दी थी कि सम इज इक्वल टू सम प्लस ए कर दिया तो पहले सम की वैल्यू 5 थी, नेक्स्ट तक सम की वैल्यू 10 हो जाएगी. तो सेम अब जो आपका कांस्टेंट क्वालिफायर है उसका क्या मतलब है कि कोई भी वेरिएबल जिसके साथ आपने सी ओ एन एस की कॉन्स्ट कीवर्ड यूज कर दिया उस वेरिएबल की वैल्यू फिर चेंज नहीं हो. ठीक है, व्हेन कांस्टेंट यूज विद वेरिएबल नेम इट नो लॉन्गर रिमेन वेरिएबल. ऑफ कोर्स वेरिएबल की डेफिनेशन आपने पढ़ी है कि इट मे चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. ठीक है, लेकिन अगर एक वेरिएबल वैल्यू चेंज ही नहीं कर रहा तो इट मींस कि वो वेरिएबल नहीं रहेगा. ठीक है, सिंटैक्स क्या है कि आप सबसे पहले कॉन्स्ट लिखोगे सी ओ एन एस टी, उसके बाद आप वेरिएबल की डेटा टाइप लिखोगे. जो भी वेरिएबल की डेटा टाइप होगी, तीन डेटा टाइप्स आपने पढ़ी थी, इंटीजर है, फ्लोट है और कैरेक्टर है. ठीक है, डबल भी आ जाता है. तो ये सारी इनमें से कोई भी डेटा टाइप आप इधर लिखोगे, उसके बाद आप वेरिएबल का नेम लिखोगे और उसके बाद जो वैल्यू आपने उसे असाइन करनी होगी वो वैल्यू आप असाइन कर दोगे और फिर वो वैल्यू हमेशा उस वेरिएबल में रहेगी. वो वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं होगी वेरिएबल की. ठीक है, एग्जांपल कॉन्स्ट इंटीजर एज 34. कॉन्स्ट हमने वैसे एज इट इज लिखना है जो क्योंकि इट इज अ कीवर्ड. आप एज जो वेरिएबल है उसको कॉन्स्टेंट कर रहे हो. कॉन्स्टेंट करने का मतलब है कि वो अब एज जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 34 जो आपने सेव कर दी थ्रू आउट द प्रोग्राम 34 ही रहेगी, कहीं पे भी आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो. ठीक है, तो कॉन्स्ट इज अ कीवर्ड. उसके बाद आपने डेटा टाइप की जगह क्या लिख दिया, इंटीजर. जिसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर. आई एन टी इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंटीजर. वेरिएबल की जगह हमने क्या लिख दिया, एज. वेरिएबल का नेम हमने लिख दिया एज. कॉन्स्टेंट जो हमने इसको असाइन करनी थी वैल्यू वो हमने लिख दी 34. ठीक है, तो अब ये 34 वैल्यू एज में सेव हो जाएगी और थ्रू आउट द प्रोग्राम ये वैल्यू चेंज नहीं होगी. तो कोई भी ऐसा वेरिएबल जिसमें आपने वैल्यू कॉन्टिन्यूसली सेव रखनी है, उसको चेंज नहीं करना, तो उस केस में आप क्या करोगे, आप उसके साथ सी ओ एन एस टी लिख दोगे कि आपके थ्रू आउट द प्रोग्राम वो वैल्यू चेंज ना हो सके. ठीक है, जहाँ पे आपने चेंज करनी हो वहाँ पे आप ये नहीं लिखोगे. लेकिन अगर कोई वेरिएबल ऐसा रिक्वायर्ड है आपको जिसकी वैल्यू आप चेंज नहीं करना चाहते प्रोग्राम में, तो उसके साथ आप सी ओ एन एस टी कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज करोगे. नेक्स्ट है कॉन्स्ट, अगेन दिस इज द कीवर्ड. फ्लोट हमने यूज कर दिया, डेटा टाइप है. लेंथ इज द वेरिएबल नेम, उसके वैल्यू हमने सेव कर दी 7.5. अब ये 7.5 वैल्यू लेंथ में सेव हो जाएगी और थ्रू आउट द प्रोग्राम जहां जहां भी आप लेंथ का वर्ड यूज करोगे वैल्यू 7.5 ही यूज होगी. ठीक है, और जनरली जब हम कांस्टेंट क्वालिफायर यूज कर रहे होते हैं, हम कोई वेरिएबल कांस्टेंट कर रहे होते हैं, तो उसको हम अपर केस लेटर में लिखते हैं. लोअर केस में भी लिख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनरली हम लोग इनको नॉर्मल वेरिएबल से डिफ्रेंशिएट करने के लिए, चेंज करने के लिए हम लोग इन्हें कैपिटल लेटर में लिखते हैं ताकि हमें पता चलता रहे थ्रू आउट द प्रोग्राम कि ये वो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट रहेगी. ठीक है, तो उसको नॉर्मली हम अपर केस लेटर में लिखते हैं. नेक्स्ट है वेरिएबल डिक्लेरेशन. अब दो चीजें होती हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन. डिक्लेरेशन वो चीज है जब आप वेरिएबल को कोई डाटा टाइप लिख दो कि किस वेरिएबल में किस टाइप का डाटा सेव होगा, उसको हम वेरिएबल डिक्लेरेशन बोलते हैं. डिक्लेरेशन मीन्स डाटा टाइप ऑफ द वेरिएबल. वही जो डाटा टाइप्स आपने पढ़ी हैं, इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, इनमें से कोई भी डाटा टाइप अगर आप जब किसी वेरिएबल के नेम के साथ लिखोगे उसको हम वेरिएबल डिक्लेरेशन बोलेंगे. ठीक है, ऑल द वेरिएबल्स दैट विल बी यूज्ड इन प्रोग्राम मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर यूज.
जितने वेरिएबल अपने आपने अपने प्रोग्राम में यूज करने होंगे, वो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होता है हमारा उन्हें डिक्लेयर करना कि उन सब को यूज तो आपने करना है बाद में, लेकिन उनकी क्या क्या डेटा टाइप होगी ये आपको पहले से पता होना चाहिए कि वो किस टाइप का डेटा सेव करेंगे। जो आप वेरिएबल यूज कर रहे हो वो इंटीजर टाइप का डेटा यूज करेंगे, मीन्स वो कोई ऐसी वैल्यू सेव करेंगे जिनमें पॉइंट नहीं आता होगा। अगर नहीं आता होगा मीन्स पॉइंट वाली वैल्यूज नहीं है आपको पता है, तो उसके लिए आप डेटा टाइप लिख दोगे इंटीजर। अगर आपको लगता है कि वो कोई ऐसी वैल्यूज होंगी जो पॉइंट वाली आ जाती हैं, ठीक है, तो उस केस में आप उसकी डेटा टाइप लिख दोगे फ्लोट। और अगर आपको लगता है कि कोई साइन है, कोई लेटर आपने सेव करना है, कोई और कैरेक्टर आपने सेव करना है, स्पेशल लेटर सेव करने हैं, तो उस केस के लिए आप क्या डेटा टाइप लिखोगे, कैरेक्टर डेटा टाइप यूज करोगे। इट मीन्स टू स्पेसिफाई डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है, डेटा टाइप अपने वेरिएबल की लिखनी है। कंपाइलर रिजर्व मेमरी अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप। अब जब कंपाइलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है तो वो जितने भी वेरिएबल्स आपने डिक्लेयर किए होते हैं स्टार्ट में विद डेटा टाइप, उनकी मेमरी रिजर्व कर देता है, ठीक है। जो आपने पढ़ा था कि इंटीजर अगर आपने डेटा टाइप लिखी है तो वो 4 byte को रिजर्व करता है, जब फ्लोट है वो भी 4 को करता है, करेक्टर है तो वो 1 byte को मेमरी को सेव करता है, रिजर्व करता है। तो ये कंपाइलर को बेसिकली पता चल जाता है डेटा टाइप से इस वेरिएबल के लिए कितनी जगह रिक्वायर्ड है, वो मेमरी में उसकी जगह अलग से रख लेता है कंपाइलर, ठीक है। एग्जाम्पल, अब ये जो एग्जाम्पल्स हैं, 3 examples हैं आपके पास, इंटीजर, इंटीजर डाटा टाइप है, 3 variables हम आगे डिक्लेयर कर रहे हैं, दैट इज एक्स वाई एंड जी, ठीक है। तो एक्स वाई जी 3 variables हो गए जिनकी डाटा टाइप क्या है, इंटीजर है। अब अनदर एग्जाम्पल इज दैट फ्लोट, आपने डाटा टाइप यूज किया गया, आपने 3 variables, लाजमी नहीं है कि 3 ही हो, 3, 4, 1, अगर 1 है तो 1, जितने आपके वेरिएबल हैं वो आप सेम डाटा टाइप के हैं वो आप इकट्ठे डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये लेंथ, विड्थ एंड हाइट, ये तीनों वेरिएबल जो हैं वो फ्लोट टाइप के थे तो हमने इकट्ठे डिक्लेयर कर दिए। डू रिमेम्बर कि अगर आप एक से ज्यादा वेरिएबल लिख रहे हो तो उसको कॉमास से सेपरेट करोगे, और डिक्लेरेशन जब कम्प्लीट हो जाती है तो एट द एंड स्टेटमेंट टर्मिनेटर, दैट इज सेमीकोलन, वो मस्ट होना चाहिए, ठीक है। अब फ्लोट में भी 3 variables थे तो तीनों को हमने कॉमा से सेपरेट किया और एट द एंड हमने क्या लिख दिया, सेमीकोलन। कैरेक्टर, अगेन इट इज अ डेटा टाइप, और वेरिएबल का नेम हमने ch, आप कोई भी वेरिएबल नेम लिख सकते हो, ch हमने वेरिएबल नेम लिख दिया, एक ही वेरिएबल है तो इसको कॉमा से सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, तो एट द एंड हमने लिख दिया सेमीकोलन, ठीक है। तो इंटीजर टाइप के 3 variables थे, दैट इज x, y एंड z, फ्लोट टाइप के 3 variables डिक्लेयर किए, दैट इज लेंथ, विड्थ एंड हाइट, और कैरेक्टर टाइप का 1 variable डिक्लेयर किया, दैट इज ch, ठीक है। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन, जब आप वेरिएबल्स जो आपने यूज करने हैं उनकी डेटा टाइप लिखोगे अपने प्रोग्राम में, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन, एंड यू हैव टू डिक्लेयर द वेरिएबल्स बिफोर यू यूज दैट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मीन्स स्टार्टिंग वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू असाइन कर देना, कोई भी वैल्यू को सेव कर देना वेरिएबल में, इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मीन असाइनिंग इनिशियल वैल्यू टू द वेरिएबल, वेरिएबल को इनिशियल वैल्यू। देखो वेरिएबल आपका प्रोग्राम में चेंज हो सकता है कहीं पे भी, ठीक है, लेकिन अगर आप इनिशियल वैल्यू, जो फर्स्ट वैल्यू आप सेव करना चाह रहे हो वो आप सेव कर देते हो, तो दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल है आपके पास, वही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, इंटीजर हो गई डेटा टाइप, एक्स वेरिएबल था जिसमें हमने वैल्यू क्या स्टोर कर दी है, 4, ठीक है। अगर आप सिर्फ डिक्लेरेशन करते हो तो आप एक्स कॉमा वाई कॉमा जी लिख देते हो, इनिशियलाइजेशन कर रहे हो तो आप साथ ही इक्वल्स टू के साइन के साथ वैल्यूज को सेव करते जाओगे, एक्स इज इक्वल्स टू 4, फिर कॉमा के बाद वाई इज इक्वल्स टू 5, फिर कॉमा के बाद जी की अगर वैल्यू आप असाइन करना चाहते हो तो आप असाइन कर सकते हो, नहीं करनी तो आपकी मर्जी है, मीन्स डिपेंड करता है कि आप कितने वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करना चाह रहे हो, कितनों को नहीं करना चाह रहे हो, ठीक है। ये दो जो है वो x और y जो है वो इनिशियलाइज भी हो गए हैं डिक्लेरेशन के साथ, ठीक, मींस डेटा टाइप तो इसकी लिखी हुई है तो मींस डिक्लेयर हो रहे हैं, जब आप वैल्यू भी असाइन कर रहे हो तो इसका मतलब है ये इनिशियलाइज भी हो रहे हैं, लेकिन z जो है ये इनिशियलाइज नहीं हो रहा, ये सिर्फ डिक्लेयर हो रहा है, ठीक है। फ्लोट डेटा टाइप है, लेंथ में हमने स्टोर कर दिया 3.4 कॉमा के बाद, विड्थ में हमने स्टोर कर दिया 2.5 अगेन कॉमा, और उसके बाद हाइट में हमने स्टोर कर दिया 10.5, तो ये तीनों वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज कर दिया विद देयर वैल्यूज, ठीक है। कैरेक्टर ch इज इक्वल्स टू a। अब कैरेक्टर डेटा टाइप यू हैव टू रिमेम्बर के कैरेक्टर डेटा टाइप में जो भी आपने डेटा सेव करना है वो सिंगल कोट्स के बीच में लिखोगे,
तो कैरेक्टर इज अ डेटा टाइप, सी एच इज द वेरिएबल नेम, इसको आप इनिशियलाइज कर रहे हो, इसमें कोई वैल्यू सेव कर रहे हो, आप क्या इसमें सेव कर रहे हो ए, तो ए को आपने हमेशा किसमें लिखना है, सिंगल कोट्स में। इंटीजर और फ्लोट के केस में ऐसा नहीं है, सिंगल कोट्स आपने यूज नहीं करने होते, लेकिन ओनली इन द केस ऑफ कैरेक्टर आपने सिंगल कोट्स में डाटा को सेव करना होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग मीन्स कन्वर्टिंग वन डाटा टाइप टू अनदर, ठीक है, एक डाटा टाइप से, जिस तरह इंटीजर आपने पढ़ा, फ्लोट पढ़ा, कैरेक्टर पढ़ा, ये तीनों डाटा टाइप में एक डाटा टाइप से दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्जन को हम टाइप कास्टिंग बोलते हैं। टू टाइप्स हैं इसकी, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग एंड इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स वन डाटा टाइप टू अनदर। इम्प्लिसिट डाटा टाइप कास्टिंग जो है, इसमें ऑटोमेटिकली एक डाटा टाइप से दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्जन होती है। एग्जाम्पल है, आपने एक वेरिएबल ले लिया दैट इज ऑफ फ्लोट टाइप, और उस वेरिएबल का नेम क्या है, क्यू। फ्लोट इज द डाटा टाइप एंड वेरिएबल नेम इज क्यू। अब क्यू में आप क्या कर रहे हो, 15 डिवाइडेड बाय 6। अब 15 और 6 बोथ आर इंटीजर्स, जब ये डिवाइड होंगे, देखें हम लोग 15 और 6 को डिवाइड करते हैं, 15 डिवाइडेड बाय 6, 6 टूज आर 12, यू विल हैव योर रिमाइंडर दैट इज 3। अब ये आपने याद रखना है, दो इंटीजर जब डिवाइड होंगे तो आपको रिजल्ट भी इंटीजर ही मिलेगा, कभी भी वो पॉइंट्स में रिजल्ट नहीं देगा, मीन्स आप फर्दर इसको डिवाइड नहीं कर सकते हो, मीन्स आप पॉइंट लगा के नीचे जीरो लगा दो, यू कांट डू दैट। अब इस केस में आपको जो रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी 2, ठीक है, 15 और 6 को डिवाइड करने से जो रिजल्ट है वो आपको क्या मिलेगा, 2। लेकिन क्यू क्या है आपका, क्यू की डाटा टाइप क्या है, फ्लोट, 2 इज द इंटीजर, ठीक है, 2 सिंपल, अगर 2 के बाद कोई पॉइंट नहीं है, कोई पॉइंट वाली वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब है ये इंटीजर है। तो इस 2 को जो आपने सेव करना है, 2 इज योर इंटीजर वैल्यू, इसको आपने क्यू में सेव करना है, और क्यू जो है वो फ्लोट टाइप का है। इसमें सेव करने के लिए ये कैसे सेव होगा, ये अब ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोट में, एंड इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2.0, और ये किसमें सेव हो जाएगा, क्यू में आपके सेव हो जाएगा, ठीक है। इन रियल हमारा पास क्यू का आंसर आना चाहिए था 2.5, कंप्लीट डिवीजन के बाद 2.5 रिजल्ट आता है, लेकिन इस केस में 2.5 नहीं होगा, जो आपके पास इंटीजर रिजल्ट आया है वही क्यू में सेव होगा, लेकिन वो पॉइंट के साथ सेव हो जाएगा, ठीक है। इट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया, रिजल्ट तो इंटीजर आया था लेकिन कन्वर्जन के टाइम पे पॉइंट के बाद जीरो लग गया, वो पॉइंट वाली वैल्यू में कन्वर्ट हो गया, तो ये बन गया इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, जिसमें कंपाइलर ने ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया इंटीजर रिजल्ट को फ्लोट की फॉर्म में सेव करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, दैट इज एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, ठीक है। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग है, स्पेशल ऑपरेटर इज यूज टू कन्वर्ट वन डेटा टाइप टू अनदर। एक डेटा टाइप से दूसरी में आपने अगर कन्वर्ट करना है तो आपको एक अलग से ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, मीन्स यहाँ पे प्रोग्रामर खुद कन्वर्ट करता है और इम्प्लिसिट में कंपाइलर कन्वर्जन करता है, ठीक है। सिंटैक्स इसमें क्या है, पहले आप टाइप लिखोगे और उसके बाद अपनी एक्सप्रेशन लिखोगे। टाइप मीन्स जिस टाइप में आपने कन्वर्ट करना है वो टाइप आप खुद से लिखोगे। एग्जाम्पल, अब यहाँ पे भी एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि इंटीजर है आपका, दैट इज डाटा टाइप, ए एक वेरिएबल है जिसमें आप 15 स्टोर कर रहे हो, और बी एक वेरिएबल है जिसमें आप 6 सेव कर रहे हो, बोथ वैल्यूज आर इंटीजर वैल्यूज, ठीक है। उसके बाद आपने फ्लोट में किया, क्या सेव किया, क्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका क्यू इज इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाय बी, इसका क्या मतलब है। अब यहां पे क्या होगा, इसका मतलब है कि क्यू इज इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, क्योंकि ए में था हमारे पास 15 और बी में है 6, तो 15 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा, दैट इज क्यू इज इक्वल्स टू ए बाय बी, ठीक है। अब सिंपली यहाँ पे तो वही काम होगा जो इम्प्लिसिट में हुआ, क्योंकि क्यू जो है वो फ्लोट है और ये दो 15 और 6 इंटीजर हैं, इन दोनों को डिवाइड करके जो रिजल्ट आएगा वो 2 ही होगा,
जब क्यू में सेव होगा तो 2.0 होके सेव हो जाएगा, दैट इज इम्प्लिसिट. ठीक है, अब एक्सप्लिसिट की टाइप यहां पे लिखी हुई है, दैट इज ये फ्लोट ए डिवाइडेड बाय बी. इस केस में क्या होगा कि अब आपका जो ए है वो पहले कन्वर्ट होगा फ्लोट बी, मींस ए की वैल्यू थी 15, अभी हो जाएगी 15.0. कोई एक भी वैल्यू अगर फ्लोटिंग पॉइंट हो तो आंसर आपको हमेशा फ्लोट में मिलेगा. ठीक है, अब इसमें आपके पास ए की वैल्यू बन जाएगी 15.0 और फिर ये डिवाइड होगा 6 से, तो फिर ये हो जाएगा 6 × 2 = 12, 3.0, 6 × 5 = 30. तो इस केस में ये 2.5 जो है ये आपका रिजल्ट आएगा, और ये कहाँ पे से 2.5 जो है वो कहाँ पे से हो जाएगा आपका क्यू में, दैट इज एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, जहां पे आप टाइप पहले से मेंशन करोगे कि किस टाइप में कन्वर्ट होना है, और तो फिर आपका जो रिजल्ट है वो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर मिलेगा, दैट इज एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग. ठीक है, दिस वॉज टुडेज लेक्चर. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी. थैंक यू सो मच.